अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कश्मीरी फैमिली इन द यूएसए। आज हम लोग, मम्मा बना रही थी चिकन लेग्स एंड आलू, एंड उसके अंदर मम्मा ने ये तंदूरी मसाला होता है वो डाल लिया। हमको बहुत अच्छा लगता है, मिर्ची होती है, जायका भी बहुत अच्छा होता है। कभी कभी मम्मा अपने भी मसाले डालती हैं, जैसे गर्म मसाला, कोरिएंडर पाउडर एंड क्यूमिन पाउडर, ये चीज़ें। पर हमको ज़्यादा ये जो डब्बों में होता है बेसिकली, वो ज़्यादा पसंद है। लजीज़ा या शान का, उनके मसाले हम लोग डाल लेते हैं और खा ले। हमारे पापा भी इतना नहीं मिर्ची खाते, तो इसलिए मामा इतना नहीं डालती। हम लोग मम्मा साथ चटनी बना लेती है, तो चटनी के साथ हम लोग खा लेते हैं। पर ये जो चिकन था, चिकन के साथ स्किन भी लगा था। यूजी मामा स्किन को उतार लेती है, स्किन था इस दफ़ा, स्किन लगा हुआ था और थोड़ा डिफरेंट था। हम लोग ऐसे नहीं खाते थे पहले, यू नो स्किन। आई नो इधर अमेरिका में लोग स्किन के साथ ही चिकन को पकाते हैं, यू नो फ्राइड चिकन, जो भी चिकन हो। हम लोग नहीं स्किन वाली चिकन खाते। आज मम्मा ने स्किन रखा हुआ था चिकन के ऊपर, तो बस इसको मम्मा ने मिक्स कर लिया और मसाला डाल लिया जितना थोड़ा कवर हो जाए सब कुछ। और आलू के साथ हम लोग यूजली खाते, बिकॉज बहुत मज़े का होता है चिकन और आलू दोनों, यू नो मज़ा आता है साथ। हो स्पेशली आलू, आलू पे ये जो मसाला लगा होता है ना, बहुत ही मज़ेदार होता है। और बस हम लोग ने बेक किया ओवन में। ओवन में हमको ज़्यादा पसंद है चिकन लेग्स। सब लोग फ्राई भी करते चिकन लेग, और यू नो एयर फ्राई में भी हम लोग कभी कभी बनाते, पर ज़्यादा हम लोग ओवन में बनाते। बस 30 मिनट्स के बाद ओवन से निकाल के, बहुत अच्छा कलर भी आ गया था, रेड हो गया था, और जायका भी बहुत अच्छा था। तो साथ उन्होंने रोटी के साथ हमने ये आलू और बीच में लोबिया एंड चना डाल के मम्मा ने ऐसे सब्जी, एक तरह की आलू की सब्जी बनाई रोटी के साथ, चपाती के साथ हम लोगों ने खाई। तो अब आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।